नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोगाट गुरुजी के चैनल में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? मृच्छकटिकम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति गई है? भगवान शिव की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने। और यह रूपक की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? प्रकरण के। और अंक कितने इसमें? 10। नायक कौन है इसका? चारुदत्त। आवृत पद में तात्पर्य मात्र का भेद होने पर कौन सा अलंकार होता है? आवृत पद में तात्पर्य मात्र का भेद होने पर कौन सा अलंकार होता है? लाटा अनुप्रास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। उपमानानि सामान्य वचने सूत्र द्वारा निर्दिष्ट मस पद नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में से तीन तो इसके निर्दिष्ट पद है, चौथा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सुंदर कंद्र है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चार देखते हैं, चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण था? चारुदत्त कहाँ का ब्राह्मण था? उज्जैनी का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। योग के कितने अंग हैं? तो योग के कितने अंग हैं? 8। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, दिलीप द्वारा गो सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है? दिलीप के द्वारा गो सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है? द्वितीय सर्ग में। रघुवंश किसने लिखा है? महाकवि कालिदास में। सर्ग कितने इसमें? 19। मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में कालिदास ने किस कवि का स्मरण किया है? मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में कालिदास ने किस कवि का स्मरण किया है? भास का। भास ने कितने नाटक लिखे हैं? 13। एक पात्र वाला रूपक है, एक पात्र वाला रूपक कौन सा है इसमें से? परहसन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, एक पात्र वाला रूपक है परहसन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अभिधा पूछ भूता शक्ति कौन सी होती है? अभिधा पूछ भूता शक्ति कौन सी होती है? लक्षणा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, सादृश्य ज्ञान का साधन है, तो सादृश्य ज्ञान का साधन कौन है? उपमान। तो प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या है? उपमान। प्रश्न नंबर 11, चित्त निपात किस अर्थ में होता है? जो चित्त है वो निपात है, वो किस अर्थ में होता है? किस अर्थ में होता है? उपमार्थक। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, सांख्य कारिका की टीका नहीं है, तो सांख्य कारिका की टीका कौन सी नहीं है? जयमंगला भी सांख्य कारिका की टीका है, युक्ति दीपिका भी है, सांख्य तत्व कौमुदी भी सांख्य कारिका की टीका है, मगर जो भामती है वह सांख्य कारिका की टीका नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर हुआ क्या होगा? भामती। मेघदूत के अनुसार अवंती या अवंतिका में किसकी कथा प्रसिद्ध थी? मेघदूत के अनुसार अवंतिका में किस अवंती या अवंतिका में किसकी कथा प्रसिद्ध थी? उद्यन की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है। प्रश्न नंबर 14, स्थूल शरीर में जरायुज का उदाहरण नहीं है, स्थूल शरीर में जरायुज का उदाहरण नहीं है, तो क्या नहीं है इनमें? सर्प, क्योंकि सांप होता है अंडे से होता है और मनुष्य गाय ये क्या सीधे शरीर इनका बनता है, जो सर्प है वो किस द्विज में आता है। निम्न में से रूपक की गणना भरत ने नहीं की थी, निम्न में से रूपक की गणना भरत ने नहीं की थी? परकर्ण की भी की थी, डीम की की थी, वीति की थी, परकर्णी की नहीं की थी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16, महाभारत पर आश्रित भास के नाटकों की संख्या, महाभारत पर आश्रित भास के नाटकों की संख्या कितनी है? 7। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम गर्भांग नाटक की कल्पना किसने की? तो सर्वप्रथम गर्भांग नाटक की कल्पना किसने की थी? भवभूति ने। कौन से नाटक में? उत्तर रामचरित में। और कौन से अंक में? तीसरे अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ टीकाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नारायण। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
दा धातु से यत प्रत्यय का शुद्ध रूप होगा, तो दा धातु के यत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, देयम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पच धातु से कत प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनेगा, तो पच धातु से कत प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा, पक्व। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है, क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, कुछ कुछ होता है, तो भाई कुछ कुछ ध्वनि परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार का लक्षण है, अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार का लक्षण है, किस अलंकार का लक्षण है, यमक का। अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति किस अलंकार का लक्षण है, यमक का। ओदनम भुंजानो विश्वम भुंग्यते, ओदनम भुंजानो विषम भुंग्यते उदाहरण है, तथा युक्तम चा निक्षिप्तम, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24, राम गृहम अधितिष्ठति में गृह की कर्म संज्ञा किस उत्तर से हुई है, तो राम है गृहम अधितिष्ठति, घर की गृह की कर्म संज्ञा किस उत्तर से होती है, अधि सिंह था साम कर्म। प्रश्न नंबर 25, कमल मीयु मनोज्ञम मुखम में कौन सा अलंकार है, कमल मीयु मनोज्ञम मुखम में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार इसमें, उपमा अलंकार, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भामा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। प्रश्न नंबर 27, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण कब हुआ है, द्वितीय अंक में। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है, काव्य स्वरूप निरूपण, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। साहित्य दर्पण किसने लिखा है, विश्वनाथ में, और कितने इसमें परिच्छेद है, 10 परिच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक कौन है, मांडव्य, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने, और कितने अंक है इसमें, 7 अंक है। प्रश्न नंबर 30, विक्रमो वश्यम का विदूषक कौन है, तो इसका विदूषक कौन है, माणव का। विक्रमो वश्यम किसने लिखा है, महाकवि कालिदास ने। विक्रमो वश्यम का विदूषक कौन है, माणव का। अगला प्रश्न देखें, सर्वगारोहण किसकी रचना है, सर्वगारोहण किसकी रचना है, वररुचि की या कात्यायन की, वररुचि को ही कात्यायन कहते, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। शूद्र किसका अवतार था, तो शूद्र किसका अवतार था, चंद्रापीड का, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, वरम विरोधो अपि सम महात्म भी, वरम विरोधो अपि सम महत भी किस ग्रंथ से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, किराता अर्जुनियम से, किसने लिखा ये, भारवी ने। किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया कि आत्मा अनेक है, किस दर्शन में यह प्रतिपादित किया गया कि आत्मा अनेक है, तो इसका आंसर क्या है, सांख्य दर्शन, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हेत्वाभास के कितने भेद हैं, हेत्वाभास के कितने भेद हैं, 5, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। हरित्रात में कौन सा समास है, तो इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा, हरिणा त्रात है, तो तृतीय तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न देखते हैं, दैत्य प्लस अरि में कौन सी संधि है, दैत्य प्लस अरि में क्या बनेगा, दैत्य रि, तो इसके क्या है, दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि। 38वां देखते हैं, शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है, तो शिवराज विजय कितने निश्वासों में विभक्त है,
12 में किसने लिखी है? अंबिका दत्त व्यास ने। सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? नाटक के समान है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 40, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 41, मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंध है? तो मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबंध है? मृच्छकटिकम से। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है? किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है? कुंतक ने। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, वक्रोक्ति जीवितम के नाम से इनकी उक्ति प्रसिद्ध है। तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या कितनी है? तो तर्क भाषा के अनुसार कर्मों की संख्या कितनी है? 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, गीता का स्वधर्म सिद्धांत है? तो गीता का स्वधर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। सामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? कादंबरी में। कादंबरी किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? शिशुपाल वध महाकाव्यम। किसने लिखा है? माघ ने। रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में? शिशुपाल वध में। और किसने लिखा है? माघ ने। वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है? तो वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति कौन सी? आवरण और विक्षेप दोनों ही हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। वेदांत सार के रचनाकार कौन है? तो वेदांत सार के रचनाकार कौन है? सदानंद योगिंदर। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। प्रवीण उदाहरण है? तो प्रवीण शब्द किसका उदाहरण है? अर्थ विस्तार का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? जगामह। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जटाभीष तापसय में तृतीय विभक्ति का हेतु। क्या है? इत्थम भूत लक्षणे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पाणिपादम में समास कौन सा है? समहार द्वंद्व। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कुर्वाण में कौन सा प्रत्यय है? तो कुर्वाण में कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। तो ऑप्शन क्री धातु से सानच प्रत्यय बन के कुर्वाण बनता है। तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेत प्रेरित अर्थ है? नाट्यशास्त्र में नांदी से अभिप्रेरित अर्थ क्या है? मंगलाचरण। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है? तो अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार कौन सा होता है? अतिशोक्ति। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शांत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। लक्षणा स्वीकृति का आधार है? तो लक्षणा स्वीकृति का आधार क्या है? मुख्यार्थवाद। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। योग्यता आकांक्षा सन्निधि किसका है? वाक्य का लक्षण है। काल्पनिक अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? काल्पनिक अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। काल्पनिक अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? तो वृक्ष किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अच्छोद सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो अच्छोद सरोवर का वर्णन किस में है? कादंबरी में। दस कुमार चरित, कादंबरी, वासुदत्ता, इन तीनों को गद्यत्रय के नाम से भी जाना जाता है। दस कुमार चरित किसने लिखी है?
दंडी ने, कादम्बरी बाणभट्ट ने, वासदत्ता सुबंधु ने, और ये वासदत्ता है क्या है, श्लेष्मय काव्य है। चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या था, चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या था, रोहसेन। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ये लास्ट प्रश्न आपके लिए है, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है, कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।